हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड के जो पेड मॉक टेस्ट होते हैं उसका मॉक टेस्ट 10 करने वाले हैं। इसके हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देखेंगे। यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट कर लिया था एग्ज़ाम पहले से ही, तब मैं इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि पेड मॉक्स जो होते हैं ऑलिव बोर्ड के, इसमें आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पूरा मॉक। आप चाहे तो पॉज करके क्वेश्चन सारे सॉल्व करके देख सकते हो, जिन्होंने अगर ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट नहीं खरीदे तो वो उस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो तीन अनाउंसमेंट्स थी मेरी एग्ज़ाम जर्नल के चैनल से रिलेटेड। पहली चीज़ ये कि ये 10th मॉक है, तो 9 प्रीवियस मॉक्स जो हैं इस सीरीज़ में वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहाँ से वो मॉक्स एक्सेस कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेकेंडली, मैं बेस्ट PYQ करवा रही हूँ मैथ्स में, सीरीज चल रही है AMSSC में, ठीक है, जिसमें 2019 ऑनवर्ड्स SSC में, SSC क्या ICAR टेक्निकल, जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो उसका लेवल SSC के एग्ज़ाम से उस पर होता है या फिर उससे थोड़ा बेटर होता है, तो उसके बेस्ट PYQs जो है मैथ्स के सीरीज़ चल रही है रैपिड। 150+ क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स फ्रैक्चर्स होती है इन क्वेश्चंस की, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ रखा है तो वो इन क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक जो प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं। एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, वो समझ में आ जाती है। अभी तक हम इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है। इस पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। अभी हम थोड़ा अर्थमेटिक पे चल रहे हैं, नंबर सिस्टम के बाद हम उसमें चलेंगे नॉन अर्थमेटिक सेक्शन में। थर्डली, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा होता है, हर मंडे एक वीडियो आती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वा लंकन से बुक जो होती है GS प्रीव्यू की, वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप वहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक उसका भी आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीक में सेम घटना चक्र पूर्वालोकन से एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 1 आ चुका है ऑलरेडी, उसका भी लिंक नीचे डलवा दूंगी। इसका पार्ट 2 आएगा, 3 घंटे का डला हुआ, आई थिंक 3 hours+ का पहले से डला हुआ है। नेक्स्ट होगा वो 3 hours या 4 hours+ की एक और वीडियो आएगी, तो उसमें आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भी हम साइंस वगैरह पे शुरू करेंगे, अपोलॉजी पे, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो हम बाद में उठाएंगे, ठीक है। तो यही थी आई थिंक अनाउंसमेंट। अब हम अपना टेस्ट जो है शुरू करते हैं। वही मैं फॉर्मेट, पहले एप्टीट्यूड पॉइंट, फिर रीजिंग, फिर इंग्लिश एंड जीके। पी इज 20% एंड 25% मोर एफिशिएंट देन क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। क्यू कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ द जॉब इन 14.4 डेज। इफ पी स्टार्ट्स वर्क एंड ऑन एवरी सेकेंड डे आर जॉइंड हिम, देन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी डन। पी 20 और 25% ज़्यादा एफिशिएंट है क्यू और आर से, तो इसका मतलब ये हुआ 1/4 एंड 1/5। अगर हम ये रेशियो निकालेंगे, 5 सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 6:5:4 का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। उसके बाद क्यू जो है वो 3/5 पार्ट ऑफ द जॉब जो है वो 14.5 दिन में करता है, तो पूरा काम जो है क्यू कितने दिन में करेगा, ये करेगा 14.4 × 5/3, है ना, 24 आए यहाँ पे और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आया 24 डेज में क्यू करेगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा है 24×5, ठीक है, यूनिट का। अब इसमें कह रहे हैं कि पी स्टार्ट करता है वर्क, पी स्टार्ट करता है यानी 6 यूनिट काम करता है, और फिर आर जो है वो सेकेंड डे पे ज्वाइन करते हैं, यानी 10
यूनिट, ठीक है। तो 2 दिन में जो है, 2 डेज में 16 यूनिट्स काम हो रहा है। हमें बताना है कि कितने दिन में टोटल काम जो है वो पूरा होगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 8 3 24, 3 5 15, 120 यूनिट्स जो है वो वर्क है, और 16 यूनिट हो रही है एक दिन में, तो ये कितने से जाएगा, 16 6 96 एंड 16 7 112, तो 7 यूनिट्स तो ये हो गई। 112 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 8 यूनिट बचेंगे। ये 8 यूनिट पहले 6 यूनिट होंगी, ठीक है। तो 2 7 14 प्लस 1 15 डेज तो ये हो गए, फिर 2/16 यानी 0.8 आएगा, तो 15.8 आना चाहिए। नॉट श्योर, 14.4, एक सेकेंड देख लेते हैं कैसे हो रहा है। 20 दिन 25 दिन टोटल यूनिट निकाल लिया, अच्छा 14 प्लस 0.4 डेज, 14 दिन तो ये हो गए, 8 से 16, ओके 14.4 डेज में भी द आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ कॉट ए इक्वल्स टू 10, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ए। कॉट ए की वैल्यू 10 है, यानी अगर ये एक ट्राइंगल है जिसमें ए ये है, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 10, ये हुआ 10, ये हुआ 1, और ये आएगा √101। हमें बताना है कॉस एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू। कॉस एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू हुई 101 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो 101 विल बी योर आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन देम। यहाँ से ये 10 है तो ये 5 हो गया, और अगर ये 8 है तो ये 4 हो गया, ये अगर 6 है तो ये 3 आया और ये 5 आया, तो यहाँ से ये पाइथागोरस लग के यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ पे पाइथागोरस लग के 3 आएगा, 4 + 3 = 7 यूनिट डिस्टेंस, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट। अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइडेड टू रैप अप देयर बिजनेस एंड सेल ऑल द शूज लेफ्ट एट अ लॉस ऑफ 30%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेयर ऑफ शूज इज 660, देन फाइंड द हाउ मच प्राइस द कंपनी सोल्ड ऑल द 45 पेयर्स ऑफ शूज। 660 को हमने 70% में बेचा है एक शू को, और हमें बताना है 45 पेयर ऑफ शूज की कितनी प्राइस रही होगी। दोनों जीरोस गए, ये 6 × 42, 6 × 42 4 62 × 45, ठीक है। ये कितना आएगा, 2 9 = 18, 6 9 = 54, 5 4 9 = 36, 41, और इसको अगर हम करेंगे दूसरे डिवाइड्स तो 20790, सी विल बी योर आंसर। आगे, अनमोल शिवम एंड पीयूष कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 8 डेज, ठीक है। अनमोल, पीयूष और शिवम, शिवम कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज, तो एफिशिएंसी आ गई 3 और 1, ठीक है, 24 यूनिट्स में। देन हाउ मेनी डेज विल अनमोल एंड पीयूष विल टुगेदर कम्प्लीट द होल वर्क। तो इन तीनों का 3 है और एक का 3 है, तो दोनों का 2 यूनिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 डेज, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc इक्वल्स टू 0, देन दिस वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब यहाँ पे
ए जो है वो नेगेटिव में, तभी ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव में आई हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू ज़ीरो दे रखी है, यानी माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको ज़ीरो दे रखी है। अगर हम ए की वैल्यू टू ले लें तो बी की वैल्यू माइनस, तो बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू भी वन, ठीक है। अब इसको पुट कर लेते हैं, 2 4 × 1 + 2 / 16, 2 - 1 यानी 1 ही रहेगा, 16। तो ये कितना आया, 2 की पावर 6, या 2 की पावर 6 अपॉन ये कितना होगा, 2 की पावर 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पाई पे कैन फिल 1000 लीटर टैंक इन 20 मिनट्स, पाई बी कैन फिल इट इन 25 मिनट्स, एंड पाई सी कैन फिल इट इन 40 मिनट्स। इफ ऑल द 3 पाइप स्टार्ट फिलिंग द टैंक एट द सेम टाइम, देन हाउ मच वाटर विल बी अवेलेबल इन द टैंक आफ्टर 5 मिनट्स। तो कितनी एफिशिएंसी आई, 1000 / 20 करेंगे तो 1 मिनट में कितना यूनिट बढ़ता है, 50 यूनिट। बी कितना बढ़ता है, 1000 / 25 करेंगे तो 40 यूनिट। और सी कितना बढ़ता है, 1000 / 40 करेंगे तो ये आएगा 25 यूनिट। अब टोटल कितना 1 मिनट में भर रहे हैं, ये भर रहे हैं 9115 मिनट। 5 मिनट में कितना भरेंगे, इंटू 5 करेंगे सो ये आएगा 5 × 25 = 575 liters, बी विल बी योर आंसर। आगे, इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, देन द रिजल्टेंट वैल्यू इज 11/6। सो उसकी इक्वेशन कितनी बनेगी, 6x - 11y = 11, और 6 आएगा, इधर -11 आया और 6 ये आया -17, ये आई इक्वेशन वन। दूसरे में कह रहा है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रैक्शन एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द ओरिजिनल फ्रैक्शन, देन द रिजल्ट इज 9/8। तो सेकेंड इक्वेशन कितनी बनी, ये बनी 8x - 9y = -24, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 × 9 = 27 + 24 करेंगे तो ये आएगा 51। ये बनी आपकी इक्वेशन टू, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। इसको 2 से करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12x - 22y - 72 = 34, और इसमें माइनस करेंगे और ये करा है हमने, ये हमने 2 से किया है, 4 से करना पड़ेगा ना, 2 से करेंगे फिर से, 44, 2 4 = 8, 2 3 = 6 68। अब इसमें से माइनस करेंगे, 3 से करेंगे इस वाली को, 3 8 = 24x - 3 7 = 27y = 3 3 5 = 15, ये भी माइनस में जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनी आपकी इक्वेशन टू। अब इसको हम इंटू 8 करते हैं और इंटू 6 करते हैं, इसको ये आएगा 48x - 88y - 17 = 136। माइनस करेंगे अगर इसे, हमने 6 से किया, 6 8 = 48, माइनस माइनस प्लस, 6 9 = 54y, ये माइनस में हो जाएगा, 6 6 5 = 30, ये आपको देगा 34y - -442। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो y कितना आएगा, 34 1 102 3, y की वैल्यू आ गई 13। अब y की जो वैल्यू 13 आई है, इक्वेशन वन में पुट करेंगे, 13 6 = 108, y की वैल्यू पुट करनी है तो ये आएगा 3 4 1
माइनस में 6x इक्वल्स टू माइनस 17, तो 6x की वैल्यू कितनी आई, 143 माइनस 17 अगर हम करेंगे 126, तो 6 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई 21, x माइनस वाई हमें बताना है 21 माइनस 13 अगर हम करेंगे तो 7 और 1 8, ए विल बी योर आंसर नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग फिगर एच टी इज अ लाइन पैरेलल टू जी एल एंड के जी टी इज इक्वल टू 42 एंड एच के जी इक्वल्स टू 42 और ये 72, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ जी एच के इसकी बतानी। ये हो गई फिगर आपकी जिसमें ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये 42 है और ये है 72, ये हमें बताना है ये एच है, ये जी है, यहाँ पे 90 डिग्री देखा है, ये के है और ये जे है, ये 90 डिग्री है और ये निकालना है। ये जो 72 है और ये इसकी पूरी वैल्यू 72 ही होगी, एक सेकंड, सॉरी ये गलत बोल दिया, ये अगर 72 है तो ये 108 है, ठीक है, ये 108 है और ये 150 हो गया, तो इसकी वैल्यू 30 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 60 डिग्री आ गया, सी विल बी योर आंसर है। आगे, विच ऑफ द टू बैट्समैन स्कोर्ड सेम रन इन ऑल फोर मैचेस टुगेदर, 8 और 8 जीरो आ रहा है इसमें धवन वाले में, फिर भी देख लेते कितना है, 28, ये 60 हुआ और ये 160 आया धवन का, ठीक है, और रोहित का कितना बन रहा है, 5 और 2 7 2 14, ये तो मैच नहीं हो रहा, 10 और 10 ये विराट का देख लेते हैं, विराट का मैच हो सकता है क्योंकि दोनों में 0 आ रहा है, विराट का ये कितना बना, 0 90 और 0 130, ये बनेगा 220, तो दोनों बराबर नहीं है, नन ऑफ द टू आर सेम। नेक्स्ट, 80% ऑफ द नंबर, 8/10 ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ ट्वाइस ऑफ 25%, यानी 1/4 ऑफ 600, हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एट सेवन ज़ा 56, एट फाइव ज़ा 40, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, एक्स की वैल्यू 150 आ गई, डी विल बी योर आंसर नेक्स्ट। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक इक्वल्स टू कॉस एक, ए एक्यूट है और सेक और कॉस बराबर है, तो 45 डिग्री के चांसेस हैं, हमें बताना है 2 sin 45 होता है √2 cos² 2 प्लस 1 tan 45 1 होता है, माइनस कॉस ए कॉस 45 √2/2 आएगा, प्लस 1, ठीक है, 1 + 1 = 2 प्लस 2 - 3 दैट इज -1/6 आया, ठीक है, 2 6 = 12 -1 11/6, ए विल बी योर आंसर। टू पर्सन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डायमीटर सर्कल साइमल्टेनियसली इन सच अ वे दैट ए इज मूविंग अलोंग द सर्कल, ओके, डायमीटर से शुरू करते हैं, ए जो है वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है एंड बी इज मूविंग अलोंग द डायमीटर, बी जो है वो डायमीटर के अलोंग मूव कर रहा है, टू रीच अदर पॉइंट जो है टाइम जो है वो सेम लग रहा है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ बी, अगर स्पीड ऑफ ए इतनी है, टाइम कॉन्स्टेंट दे रखा है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर रहेगा, ए की 44 का डिस्टेंस कितना है, वैसे तो सर्कल का 2πr होता है, यहाँ पे सिर्फ πr कवर हुआ है, बराबर दे रखा है स्पीड ऑफ बी जो हमें निकालनी है डायमीटर के, डायमीटर कितना होता है 2r के बराबर, ठीक है, r r कैंसिल,
से 22 तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं, टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 3 यूनिवर्सिटीज इन 5 ईयर्स। पता नहीं वो वाला मैंने शायद से ढंग से नहीं किया, आप देख लीजिएगा एक बार इसमें क्या गलती हो गई। अभी करते हैं बाद में। सेलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए बी इन 2013 4200, 2XY इन 2013 XY इन 2013 इज 5460 कैंसिल। 13 4 52, 13 नहीं, 13 is 2 y 10 is 2 y। ओके तो देखते हैं 42 से जा रहा है क्या ये 546। 42 into 42 1 2 3 1 2 6 3 से जा रहे हैं। हाँ तो 10 is to 13 यस ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल एक्यूट, नहीं अंदर होता है। सर्कम सेंटर विल बी इनसाइड ऑब्ट्यूस में, नहीं उसमें बाहर होता है। सर्कम सेंटर विल बी ऑन द ट्राइंगल यस, सो ओनली सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनुज लेंट 2400 टू ईच राम एंड अनिल। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राम एंड अनिल आफ्टर 4 ईयर्स इज 28.8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ओके 24,000 में 4 r/100 -24,000 4 r/100 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 28.8 के बराबर, ठीक है। दोनों जीरोस कैंसिल, ये आया 24 into 4 r - r = 28.8। 4 से करा दो, 4 7 28, 4 2 8 24, 3 से तो r - r की वैल्यू आई 0.3%। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर बॉट कॉम्स सेट ऑफ 15 फॉर रुपीज 120 एंड सोल्ड देम एट अ सेट ऑफ 20 फॉर रुपीज 136। कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट। 15 कंघियाँ 120 की ली, यानी एक कॉम जो है उसे 8 रुपये की पड़ी है, तो 20 कॉम कितने की पड़ेंगी उसे 160 रुपीज़ की, ठीक है। और उसने बेची कितनी 20 ओम्स, उसने ये आया हमारा सी बी। और सेलिंग प्राइस में कितने की बेची उसने 136 की। क्लियरली यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 24 रुपये का लॉस हुआ है। और कितने पे हुआ है, 160 रुपये पे हुआ है। हमें बताना है लॉस परसेंटेज। 8 3 24 8 2 16 25 3 5 15% का लॉस। The height and the diameter of a solid metallic circular cylinder is 30 and 28 respectively. After cutting out the largest possible sphere from the cylinder, okay, cylinder है जिसमें से हमने largest possible sphere जो है वो cut कर लिए। हमें बताना है जो remaining material जो है वो recast किया गया है
इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, हमें हाइट बतानी है क्या होगी, उसके डायमेंशन दे रखे हैं सिलेंडर के, सिलेंडर के डायमेंशन 30 और 28 है, ठीक है, हाइट 30 है और डायमीटर जो है वो 28 है, तो रेडियस जो होगा स्फेयर का वो भी, मतलब डायमीटर जो होगा वो भी सेम स्फेयर का होगा जो सिलेंडर का है, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें हाइट ऑफ द कोन निकालने जब रिमेनिंग में से, तो यानी पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कर लेते हैं, पाई पाई तो कैंसिल हो गया सब में से, आर रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू में 30 माइनस 4/3 14 का क्यूब इक्वल्स टू 1/3 7 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, 14 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 30 माइनस 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू आपका है 1/3 7 का स्क्वायर एच, ये भी कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 90, 14 4 ज़ा 56, तो 90 माइनस 56 करेंगे तो ये देगा हमें 34, ठीक है, 4 × 34/3 इक्वल्स टू 1/3 एच, 1/3 कैंसिल, तो एच की वैल्यू आई 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 13 1 36 सेंटीमीटर। सी आगे, जॉर्डन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1515, ही स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयरिंग एंड सोल्ड इट फॉर 1925, तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ी वैसे, ये पड़ी 2015 और सेलिंग प्राइस कितना है 1925, तो हमें बताना है लॉस परसेंटेज, तो ये हुआ है 75 + 15 दैट इज 90/215 × 100 का लॉस परसेंटेज हुआ, ठीक है, कर लेते 5 4 ज़ा 20 0 3 5 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 2 9 ज़ा 1800 डिवाइडेड बाई 403, तो ये जाएगा 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 1 6 1 2 गया, ये आया 1880, ये 0.5 से जाएगा अप्रॉक्स 4.5% बी लॉस, ठीक है। आगे, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, 2l + b की वैल्यू हमें दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की, द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 है, पेरीमीटर 60 है, तो यानी साइड कितनी आई 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो ये 20 के बराबर दे रखा है, यानी l + b की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। जब विड्थ जो है रेक्टेंगल की 25% से बढ़ा दी जाती है तो इट बिकम्स 5, 25% का मतलब है 1/4, मतलब 5/4 अगर ब्रेथ कर दी जाती है तो ये 5 बन जाता है, तो ब्रेथ हमारी एक्चुअल कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 यूनिट रखेंगे, तो देयरफॉर एल कितना आया 6 सेंटीमीटर, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इज 11, ठीक है, इफ दोज नंबर्स आर इन द रेशियो 2:1:4, देन फ्रॉम द लीस्ट पॉसिबल पेयर ऑफ दीज 3 नंबर्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट, हाइएस्ट कितना होगा 4 × 11, लोएस्ट कितना होगा 1 × 11, और इसका क्या निकालना है हमें डिफरेंस, तो ये आएगा 3 × 11 विच इज 33। आगे, अ बाइक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन टाइम at the speed of 64 km/h. If it is at the speed of 72 km/h, the bike covers 42 km more at the same time, then find the original distance. Okay, speed हमारी होती है distance upon time, तो distance कितना होगा speed into time. Time हमारे यहाँ पे constant है, ठीक है, तो हमें बताना है original distance को ले लेते हैं d. तो डी डिवाइडेड बाय स्पीड 64 इक्वल्स टू
भी जब वो 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लेता है जब उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। 8 8 द 64, 8 9 द 72, 9D = 8D + 8 4 द 32, और डिस्टेंस कितना आया 32 किलोमीटर का। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ A = 120 × 18 − 12 × 80 / 14 × 15, देन फाइंड 4 की पावर 8। जीरोस के साथ हम खेल सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 120 18 − 8 डिवाइडेड बाय 40 × 15, ठीक है, 43। यहाँ पे आया 10, 3 5 2, ए की वैल्यू तो 2 आ गई। अब 4 की पावर 12 यानी 16, 2 4 4 16 स्क्वायर, ठीक है। इन टू जार्स देर इज अ मिक्सचर ऑफ मैंगो पिकल एंड लेमन पिकल, द रेशियो ऑफ मैंगो पिकल एंड लेमन पिकल इन दीज जार्स इज, एक में 5:7 का दे रखा है मैंगो और पिकल, और दूसरे में मैंगो और पिकल कितने का दे रखा है, मैंगो और लेमन पिकल का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7:8, ठीक है। हमें बताना है कि इस रेशियो में मैंगो और लेमन मिक्स करें जिससे न्यू जार में जो रेशियो बने उसका वो बने 4:5 का, ठीक है। यानी मैंगो 5:12 है फर्स्ट जार में, और दूसरे जार में 7:14 15 है, हमें न्यू जार में 4:9 करना है, ठीक है। एलिगेशन से करेंगे तो 4:9 − 5:12 करेंगे, और ये आएगा 4 4 16 3 5 15, तो ये आया 1/9 × 4। दूसरे में करेंगे 7:15 − 4:9, तो ये आएगा 3 7 21 4 5 20, ये आया 1/9 × 5, ठीक है। ये रेशियो है, एक्चुअल में क्या होगा, 4:5 का रेशियो होगा फर्स्ट और सेकंड जार का। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कोमल गेव 30% ऑफ हर इनकम टू प्रभा एंड 20% टू उमा एंड स्पेंड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन डोनेशन। इफ शी गेव ₹2,955 टू प्रभा, देन फाइंड द अमाउंट दैट शी डोनेटेड। 100 थी जिसमें से 30 प्रभा को दे दी, 20 उमा को दे दी, एंड स्पेंड 40% यानी 50 का 4/10 करेंगे तो 20 जो है वो डोनेशन में दे दी, और रिमेनिंग जो 30 यूनिट बचा है, ठीक है, ये रिमेनिंग है। इसमें कहा है अगर वो 2955 प्रभा को देती है, यानी 30 की वैल्यू हमें 2955 दे रखी है, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, ये तो 2955 × 2/3 करना है हमें सिंपली। 3 9 ×27 8 ×24 3 5 15 2 5 10 2 9 2 8 16 17 1 2 9 18 19 1 9 7 0, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। सेलेक्ट करना है हमें लेटर इसमें सीरीज में जो नेक्स्ट आएगा, ओके। ए का हमने कर रखा है, जी का हमें मिला है ई, तो जी का ई है -1, और जेड का एक्स है, जेड का एक्स क्या है, ये भी -1 है, तो पी का क्या होगा, पी का अगर हम -1 करेंगे तो ये आपको देगा एन, बीच में एन आना चाहिए, एक ही है। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ब्रेसलेट हैंड से रिलेटेड है, तो एंकलेट लेग पे पहना जाता है। नेक्स्ट, ऑल फ्लास आर जग, सारी फ्लास जो हैं वो जग हैं। सम फ्लास आर पॉट्स, कुछ फ्लास जो हैं वो पॉट्स हैं। सम पॉट्स आर कैन, कुछ पॉट्स जो हैं वो कैन हैं। तो ऑल फ्लास कैन बी कैन, सारी फ्लास कैन बी कैन, येस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम जग्स आर पॉट्स, कुछ जग जो हैं वो पॉट्स भी हैं, ट्रू। बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट, इसकी मिरर इमेज निकालनी है, सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट चलते, इसमें फोल्ड करना है, तो अनफोल्ड करके क्या निकलेगा, ये इधर है और ये इधर है, सेम ऐसे ही पैटर्न बनेगा एक दूसरे के सामने, ओके।
इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर रोटेट हो रहा है, नीचे आएगा, फर्स्ट और थर्ड में से एक होगा। एरो जो है ये वाला, पहले इधर है, फिर ऊपर है, फिर इधर है, इधर गया, ऊपर गया, फिर इधर, फिर नीचे आएगा, थर्ड विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, रोटेशन नॉट अलाउड, सेकेंड फिगर बनी हुई है इसमें, 3, 5, 8, 13, 20 एंड सो ऑन। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 में 2, 5 और 8 में 3, 8 और 13 में 5, इसमें 7 और इसमें 11, इसमें 13, प्राइम नंबर्स हो रहे हैं तो 17 आएगा, 61 और 18। नेक्स्ट, कट करा स्क्वायर, इसमें से बताना है क्या बनेगा, इमेज आट द रेट एक दूसरे सामने, सेकेंड में भी आंसर है। नेक्स्ट, पी इज़ द मदर ऑफ आर, पी इज़ द मदर ऑफ आर एंड एस इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, टी इज द सिस्टर ऑफ पी, टी इज़ द सिस्टर ऑफ पी, आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस, आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस, एस इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए, इन दोनों के बच्चे हैं ये। आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस हो गया, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू क्या है, क्यू ब्रदर इन लॉ है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिस्टम इज कोडेड एज दिस, इन टू विल कोडेड एज दिस, देन हाउ विल मनी बी कोडेड। ओके, ई की वैल्यू यहाँ पे 5 ली भी है, मनी यहाँ पे 5 आएगा सेकेंड लास्ट में, एक ही है बी। नेक्स्ट, रिया वॉक्स स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड साउथ, आफ्टर वॉकिंग पी मीटर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर पी प्लस 23 meters, शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स पी माइनस 16 meters, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 58 meters टिल नाउ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 3p + 4 + 3 = 7 इक्वल्स टू हमें दे रखा है 58, तो 3p की वैल्यू आई 51, p की वैल्यू आई 17। फिर इज कोडेड एज दिस, क्यू इज विल बी कोडेड एज हाउ, तो f से i जा रहा है प्लस 2 जा रहा है, तो c से f आएगा पहला लेटर, ठीक, ए से जी जा रहा है, ए से जी जा रहा है, ए से जी, ओके, ए से जी जा रहा है तो ये जा रहा है प्लस 6, सो यू से प्लस 6 करेंगे तो ए एफ ए, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, सॉरी एफ ए भी था, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आर से यू जा रहा है, आर से यू जा रहा है यानी प्लस 2 हो रहा है, तो सिमिलरली टी से प्लस 2 करेंगे तो डब्ल्यू, एफ ए डब्ल्यू आएगा बी। नेक्स्ट, इक्वेशन बताना है, कॉम्बिनेशन कौन सा सी होगा, पहले में देख लेते हैं, 2 + 78 / 6 × 4 - 12, 6 × 6 = 18, 3 × 4 = 52, 2 - 12, 40 + 2 = 42, ए ही है आंसर। नेक्स्ट, 16 × 48 × 3 करा, ये भी इंटू 3 हो रहा है, 16 और ये कितने बच जाएगा, 16 × 3 और फिर 16 × 12 हो रहा है, 23 × 3 और 23 × 12 हो रहा है,
21 into 3 हो रहा है, यस। 27 into 3 81 हो रहा है, यस। 31 into 3 93 होना चाहिए, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन तो गया। सेकंड में देखते थे, अगर 21 into में अगर हम 12 करें तो 12 1 12 24 252, ये सही है। और 27 into 12 करेंगे तो 84 12 24 + 8 32 324, सेकेंड भी सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, जी आई एम, जी आई और एम, जी और आई में 1 का फर्क है, आई और एम में 3 लेटर्स का फर्क है। टी वी वाई, टी और वी में 1 लेटर का फर्क है, वी और वाई में 2 लेटर का फर्क है। एम ओ आर, एम और ओ में 1 लेटर का फर्क है, ओ और आर में 2 लेटर का फर्क है, यानी फर्स्ट वन इज नॉट फॉलोइंग। नेक्स्ट, इनमें से बताना है कौन सा जो है रोटेशन मतलब एम्बेडेड है, सेकेंड वन इज एम्बेडेड है। नेक्स्ट, 313 40 101 and 213, 3 into 2 + 7 13 into 2 + 14, 2 6 6 2 12 13, 13 2 26 + 14 = 40, एंड सिमिलरली 14 into 2 = 80 + 21 विल गिव यू 101, एंड 230 into 2 करेंगे प्लस ये 21 28 के बाद 35 25 465 दैट इज 495, ए विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं, बी का एफ, बी का एफ हुआ 3 का गैप, आई और एन का, आई का एन का गैप हुआ 4 का, सी और जी, सी और जी में 3 का फर्क गैप आया, और ई और जे में, ई और जे में 4 का फर्क आया। तो एन और आर में 3 का फर्क आएगा, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, डी सी ए बी डी पैटर्न बताना है। ओके, डी सी, सेकेंड वन सी हुआ, सेकेंड वन सी चल नहीं है। ओके, ए बी डी, फोर्थ वन डी हुआ, सी के बाद डी आएगा, सी डी, सी डी तो में से एक ही हुआ, सी और डी में से एक हुआ। फिर देख लेते हैं 1 2 3 फोर्थ स्टेट देख लेते हैं, 1 2 3 फोर्थ, ए के बाद क्या है, बी, डी आंसर हुआ। नेक्स्ट, लुकिंग एट द गर्ल सिटिंग ऑन द सोफा, लेट्स से दैट शी, द गर्ल है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, ललित ऑफ द फादर ऑफ माय सन, ललित के सन की वाइफ की ओनली डॉटर है फादर की, ठीक है। तो गर्ल जो है वो ललित से कैसे रिलेटेड है, तो जो गर्ल है वो डॉटर इन लॉ है। एक, इफ पी डिनोट्स दिस एंड दिस देन वैल्यू ऑफ 55 - 42 / 7 * 8 + 10, इसकी वैल्यू निकालनी 7 6, 55 - 48 + 10 यह आएगा 7 17, एक सेकेंड, हाँ 17 आया ना, तो बी ही वैल्यू 7 डी। नेक्स्ट, 6 पर्सन्स आर फेसिंग द रो साउथ, ठीक है, नाइदर जगन नॉर राकेश सिट एंड ऑफ द रो, ठीक है, किंजल सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जगन एंड किंजल सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ राशि, इमीजिएट लेफ्ट ऑफ राशि, किंजल अगर यहाँ है और किंजल जो है वो सेकेंड है राइट ऑफ जिगर के, ठीक है। फिर कह रहे हैं श्वेता सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ राकेश,
और राकेश एंड में नहीं है, थोड़ा टू द राइट ऑफ राकेश। वन टू थ्री, किंजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राशि। ओके, हाँ गलत कर दिया, तो लेट करते हैं, फिर से करते हैं। किंजल अगर यहाँ है, ठीक है, तो किंजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राशि, लेफ्ट ऑफ राशि, तो राशि यहाँ आ गई, ठीक है। एंड किंजल सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ जिगर, किंजल जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ जिगर है, यानी जिगर की यहाँ आ गई सेटिंग, ठीक है। एक दो तीन चार तो हो गए, जिगर एंड पे नहीं है और राकेश एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे एक जना और होना चाहिए एटलीस्ट, तो जाके ये पाँच बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, श्वेता सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश, और राकेश की थर्ड राइट में श्वेता है, यानी अगर राकेश यहाँ पे है तो वन टू थ्री श्वेता इधर आएगी, अगर श्वेता यहाँ आई तो राकेश इधर आ जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पांच जने हो गए, लास्ट में यहाँ पे कौन आएगा, अहम आ गए। अब बताना है कितने परसेंट बैठे हैं किंजल और अहम के बीच में, किंजल और अहम के बीच में कितने लोग हैं, एक और दो, बी विल बी आंसर नेक्स्ट। सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा होगा सीक्वेंशियली, एल जी स्पेस क्यू, ये आएगा पहले का, ठीक है, फिर सेकंड में भी एल और बी आएगा, डी विल बी योर आंसर नेक्स्ट। ट्रैवल इटिनरी से रिलेटेड होता है, सिमिलरली स्कूल में टाइम टेबल बनता है। अब हम चलते हैं इंग्लिश में, सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू एडहर द कोविड प्रोटोकॉल लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, इनमें बताना है ग्रामेटिकल एरर किसमें है, एडहर टू द कोविड प्रोटोकॉल होगा नेक्स्ट। द पेशेंट्स डेंजरस कंडीशन कॉज द डॉक्टर्स मेनी स्लीपलेस नाइट्स, मैनी अ स्लीपलेस नाइट होगा बी नेक्स्ट। एवरी मॉर्निंग जॉन एक्सरसाइजेस फॉर एन आवर एंड ईट ब्रेकफास्ट, एवरी मॉर्निंग जॉन एक्सरसाइज फॉर एन आवर एंड ईट्स ब्रेकफास्ट, डी सी विल बी आंसर नेक्स्ट। आई ट्राई टू रिमूव इट मैनी टाइम्स बट दिस मार्क कैन नॉट बी रिमूव्ड, विथ समथिंग अंडरलाइन कैन नॉट बी रिमूव्ड तो इनडेलिबल नेक्स्ट। अ लार्ज बोर्ड इन पब्लिक प्लेस यूज टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स, इसके लिए वन वर्ड होल्डिंग, दे वर सीन होल्डिंग प्ले कार्ड एंड पैम्फलेट्स दैट रेड वी विल फाइट फॉर फार्मर्स, ग्रामेटिकल एरर किसमें है, दे वर सीन होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा, पैलेस सिंगल एल होगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कम टू बी रिगार्डेड एज डैश विद इकोनॉमिक ग्रोथ, सिनोनिमस, नो कंट्री डिजायरस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन अफोर्ड टू डैश इंडस्ट्रियलाइजेशन, निगलेक्ट इग्नोर कर सकती है। ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन एडवांस विद इट्स असिस्टेंस, ये मेरा गलत हो गया था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन इंडस्ट्री डैश एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज इन ग्रेट ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ग्रू एट एन डैश वे, तो इंडियन इंडस्ट्री तब डिक्लाइन पे थी एंड मीन बाई जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज थी देवर ग्रोइंग एट एन अस्टाउंडिंग पेस, ठीक है। The charity organization dash its fundraising goal providing essential dash to those in need surpassed its fundraising to give aid. The weather forecast predicts dash rain later this afternoon. Heavy rain.
The intense dash between them conveyed unspoken emotions that lingered in the silent room. The intense stare, Guna. One who breaks out into a house to see, burglar. So, our mind is a canvas of creativity that helps us to explore the dash realms of the imagination. The boundless realms. Boundless, yani limitless. Select karna hai, invest jisme spelling error nahi hai. अल्टीरियर में आई आएगा इग्नोर वार्निंग साइन, इसमें कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट, आई रिमेंबर माई ब्रदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम पैसिव. आई रिमेंबर टू बी बींग टेकन टू द म्यूजियम बाई माई मदर. पैराग्राफ री अरेंजमेंट करना है. ऑफन कंसिडर फिनोमिनल इन्वॉल्विंग डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स. वाई साइंटिफिक कम्युनिटी जनरली लैक्स एम्पेरिकल एविडेंस. फिर डी आएगा आपका और फिर आप बी आएगा. नेक्स्ट, इसमें बताना है सी पहले आएगा. वन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए आई से शुरू होगा. नेक्स्ट, इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ टाइम टू स्लीप. इसको हम EDM से क्या करेंगे, हिट द सैक. नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी टू डील विद समथिंग इन अ डायरेक्ट मैनर रादर देन अवॉइडिंग इट. नेक्स्ट, द आर्टिस्ट कैनवस डिपिक्टेड अ विविड पोर्ट्रेल ऑफ नेचर विद कलर्स दैट लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग. विविड का मतलब है वाइब्रेंट. आशना स्टम्बल्ड अपॉन अ हिडन कॉर्नर वेयर एन एंशिएंट डस्टी बुक अनएक्सपेक्टेडली रिवील्ड द आंसर्स टू हर लॉन्ग लॉस्ट फैमिली हिस्ट्री. अ ट्रू मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी का ऑपोजिट क्या होगा, मिसफॉर्चून होगा. सेरेंडिपिटी का मतलब होता है लक, लाइक प्रॉफिटेबल इन अ सर्टेन वे. इंग्लिश हो गया. अब जनरल अवेयरनेस, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक वाटर इज नोन एज विनेगर. इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है, नीति आयोग नहीं है. इनकरेक्टली मैच बताना है, तो श्रेणीज ब्लैक स्मिथ इज इनकरेक्ट. प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. एंड जो डिवाइड रहते हो पॉपुलेशन के रेशियो पे. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक का, तो ये है S2-Ca2+. आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन डैश, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कैलकटा सेशन प्रिसाइडेड ओवर दादाभाई नौरोजी डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ द इंडियन was self-governance. It was done in 1906. Home Rule League America में 1917 में लाला लाजपत राय ने found करी थी. The dash edition of the bilateral exercise Bongo Sagar. It was 4th edition and the 5th for the corporate. इनमें से कौन सा statement true है? The first Buddhist council was held at Rajgir. True. In the first Buddhist council, Ananda composed Sutta Pitaka. Both 1 and 2 are true. Next, Subansiri River is the tributary of which of the following river? So it is a tributary of Brahmaputra. Next, UAE first Arab country bana hai to grant the observer status at an APG participated with observer status in the plenary Asia Pacific group of money laundering. A financial action task force style regional body. It took place where? It took place in वैंकूवर कैनेडा. इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो एसोसिएटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, सो इट इज दिनेश गोस्वामी कमेटी. विच स्टेट सेलिब्रेट्स माधवपुर मेला, गुजरात सेलिब्रेट्स माधवपुर मेला. इफ साइक्लोन्स अकर इन अटलांटिक ओशन और द कैरेबियन सी, तो इनको हम टाइफून हरिकेन्स के नाम से भी जानते हैं. इनमें से कौन से जो है इशू कर सकते हैं वेरियस स्टेट्स, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डू दैट, ए एंड बी. नेक्स्ट, इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कॉजेज केसेस इन द वर्ल्ड इन 2022 सेज द ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 बाय द WHO. इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज 27% ऑफ द टोटल टीवी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल. मनी बिल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें बताना है.
सो द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द बिल विद द रिकमेंडेशन इन 7 days, नहीं 14 दिन में कर सकती है. अगर 14 दिन बाद ना भी करे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राज्यसभा से. द लोकसभा हैज़ रिसेंटली पास द नारी शक्ति वरदान अभिनियम बिल. तो ये बिल किस लिए एम करता है? तो इट एम्स फॉर द 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वेमेन इन लोअर हाउसेज ऑफ एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, नेक्स्ट. इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो सिग्निफिकेंट कंसर्न है इनडोर एयर पोल्यूशन का? तो इट इज सारे पार्टिकुलेट मैटर, एस्बेस्टोस एंड सल्फर डाइऑक्साइड. क्रॉप जिसको मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है तो ये शुगर केन है. सर्वे ऑफ इंडिया द नेशनल मैपिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GOI वॉज इस्टेब्लिश कौन सी ईयर में? 1767 में. विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द फेमस नेम ब्रज भूषण काबरा एसोसिएटेड? इट इज रिलेटेड टू गिटार. ब्रज भूषण काबरा विद गिटार. इन विच ईयर तैमूर अटैक्ड इंडिया? सो इट वॉज इन 1398. ही अटैक्ड इंडिया 1398. द फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस FRP शुगर क्रेन का जो है वो अप्रूव किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स या ट्रॉफीज इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? सो इट इज स्टैनली कप. स्टैनली कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी एंड द जूल्स रिमेट ट्रॉवर्स एंड दुरन आर रिलेटेड टू फुटबॉल. मेरे मार्क्स देख लीजिए, 133 आए थे इस वाले में. ठीक है, ज़्यादा बढ़िया मार्क्स नहीं आए. तो यही था हमारा आज का सेशन. ऑल अबाउट का 10th मॉक हमने दे चुके हैं. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए अगर आपने भी ये पेपर अटेम्प्ट करते तो कितना स्कोर आपने किया. और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी इसे सब्सक्राइब करिए, पहले आप वीडियोज़ देखिए, चेकआउट करिए चैनल को. अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एग्ज़ाम्स में इसमें हेल्प मिलेगी इस चैनल के थ्रू, तभी आप इसे सब्सक्राइब करिए. तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन. बाय.